एनईएफटी। सबसे पहले इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण। आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये है क्या। जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है, ये जो है एक राष्ट्रव्यापी पद्धति है, और इसमें क्या होता है, व्यक्तियों को, फर्मों को, साथ ही साथ कंपनियों को क्या को सुविधा मिलती है कि वे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनईएफटी के माध्यम से। अब जो होता है एनईएफटी में जो पैसों को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है वो बात आती है। जो एनईएफटी में जो ट्रांसफ़र्स होते हैं या जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं या बैंक जो एनईएफटी करती है उसको किस तरीके से कार्य करती है, जो बैंक है एनईएफटी जब ट्रांजेक्शन करती है या निपटाती है उन कार्यों को, एनईएफटी को हम कह सकते हैं, तो वो बैचेस के रूप में या समूहों के रूप में इन कार्यों को करती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब एनईएफटी की जाती है तब आरबीआई के आदेश अनुसार अगर हम देखें तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक 11 बार एनईएफटी बैचेस में निपटाए जाते हैं। और यही अगर हम शनिवार की बात करें तो शनिवार में सुबह 9 बजे से दोपहर को 1 बजे तक इस ड्यूरेशन में 5 बार एनईएफटी के कार्य को निपटाया जाएगा। अब अगर हम एनईएफटी की विशेषताओं को देखें तो एनईएफटी की विशेषताएँ कुछ इस प्रकार हैं। जो एनईएफटी होता है वो नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए बैंक ब्रांच को एनईएफटी योग्य बनाना होता है। साथ ही साथ इसमें व्यक्ति, फर्म व कंपनियां जिनका किसी बैंक ब्रांच में खाता हो वो तो एनईएफटी सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना खाता खोले भी इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। फिर तीसरी विशेषता को अगर हम देखें तो कहती है केवल वे ही व्यक्ति, फर्म व कंपनियाँ जिनका एनईएफटी सुविधा प्राप्त बैंक में खाता हो इस सुविधा द्वारा धन प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है एनईएफटी सुविधा के अंतर्गत हस्तांतरित किए जाने वाले धन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। फिर बात आती है यदि धन भेजने वाले ग्राहक का एनईएफटी बैंक ब्रांच में खाता नहीं है, नगदी बदले उसके द्वारा हस्तांतरित किए जाने वाले धन की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये होती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो एनईएफटी के माध्यम से धन प्राप्त करने वाले से कोई फीस वसूली नहीं जाती, और एनईएफटी की सुविधा से विदेश से धन नहीं प्राप्त किया जा सकता। साथ ही साथ एनईएफटी द्वारा धन हस्तांतरण से चेक बनाने, उनको भेजने और उनको बैंक में जमा कराने से जो झंझट होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने एनईएफटी किस तरीके से बैंकों में इस्तेमाल की जाती है या एनईएफटी को किस तरीके से बैंकों में निपटाया जाता है और किस तरीके से एनईएफटी को बैंक्स में यूज़ किया जाता है, हमने इस कॉन्सेप्ट को जाना है और उसकी विशेषताओं के माध्यम से जाना है। आइए अब हम देखते हैं कि आरटीजीएस क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है बच्चों, अब जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है उसको हम हिंदी में भी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ही कहते हैं। अब अगर हम इसमें रियल टाइम की बात करें तो इसका अर्थ होता है फंड बिना इंतज़ार किए उसी समय ट्रांसफ़र हो जाएगा अकाउंट में जब एक बैंक का दूसरे बैंक में संदेश भेजा जाएगा। और ग्रॉस सेटलमेंट का अगर अर्थ निकालें तो इसमें क्या होता है, जो व्यवहार होता है वो एक के बाद एक निपटाया जाता है। तो अगर हम समझें तो जैसे कि हमने देखा एनईएफटी में बैचेस में काम होता था, इसमें आरटीजीएस में बैचेस में काम नहीं होता, इसमें एक के बाद एक आरटीजीएस कर दिए जाते हैं। जैसे ही आरटीजीएस आया उसको तुरंत निपटा दिया जाता है। अब अगर हम इसमें आरबीआई ने जो नियम बनाए हैं उनके आदेशानुसार अगर हम देखें तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, आरबीआई के जो आदेशानुसार हम देखें तो आरटीजीएस जो होते हैं सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक निपटाए जाते हैं, और शनिवार को जो है सुबह 9 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक निपटाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि आरटीजीएस का कॉन्सेप्ट क्या है। आरटीजीएस जो है वो अब उसकी विशेषताओं को देखते हैं कि आरटीजीएस की विशेषताएं क्या हैं या फीचर्स ऑफ आरटीजीएस।
इसकी जो मुख्य विशेषताएं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस प्रकार हैं कि जो आरटीजीएस की जो सुविधा होती है वो केवल कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बैंक ब्रांच पर ही उपलब्ध होती है। हालांकि आजकल सारे बैंक ये फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने लगभग सारे बैंक्स को ये अथोराइज़ कर दिया है, अथॉरिटी दे दी है कि वो कोर बैंकिंग सुविधा चला सकें और अपने बैंक में रन करा सकें। दूसरी विशेषता जो आप देख रहे हैं वो कहती है कि आरटीजीएस व्यवहारों को समूहों में न करके बल्कि घंटों के दौरान लगातार चलाते रहते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एनईएफटी बैचेस में होती हैं, लेकिन जो आरटीजीएस होती है वो समय समय पर जैसे ही आती है उन्हें निपटा दिया जाता है। फिर बात आती है तीसरी विशेषता की कि प्राप्तकर्ता बैंक फंड हस्तांतरण का संदेश प्राप्त होने के 2 घंटे के अंदर धन ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। आरटीजीएस व्यवहारों के लिए बैंक ग्राहक से कुछ फीस लेता है जो कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। उसके बाद बात आती है आरटीजीएस व्यवहारों के लिए न्यूनतम राशि 2 लाख और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं होती और आरटीजीएस बैंकिंग चैनल की धन हस्तांतरित करने वाली तीव्रता पद्धति होती है। तो आपने अभी तक बच्चों एनईएफटी जाना, आरटीजीएस जाना, अब चलिए इसके बीच के छोटे से अंतर को जान लेते हैं। आपने क्या देखा, एनईएफटी में जो कार्य होते हैं वो बैचेस में होते हैं और आरटीजीएस में जो काम होते हैं वो तुरंत उन व्यवहारों को पूरे दिन में लगातार निपटाया जाता है या किया जाता है। अब अगर हम बात करें जो आरटीजीएस है उसमें जो व्यवहार हैं उसमें जो राशि है उसमें न्यूनतम राशि कितनी हमने चर्चा करी, 2 लाख रुपए लगते हैं, जबकि एनईएफटी जो है उसमें जो व्यवहारों की कोई भी राशि नहीं ली जाती या उसमें हम कह सकते हैं कि एनईएफटी व्यवहारों की कोई न्यूनतम राशि की सीमा नहीं होती। तो बच्चों इस तरीके से हमने एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, उनकी विशेषताएँ क्या हैं और साथ ही साथ इनके बीच के अंतर को जाना है। आइए अब हम ई बैंकिंग जानते हैं और समझते हैं कि ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि हमने पहले ई बैंकिंग सर्विसेज जान लिया है आपने कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, अब हम देखते हैं ई बैंकिंग क्या है। जैसे ये कॉन्सेप्ट और ये वर्ड अपने आप में क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं जो अपने एक वेबसाइट या अपने ब्राउज़र या अपने पोर्टल या अपने ऐप के माध्यम से आपको 24/7 अपने बैंकिंग नेटवर्क को एक्सेस करने को अलाउ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंक्स में आप अपनी जो है खाते जब खोल लेते हैं उसके बाद अगर आप ई बैंकिंग की सुविधा का फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर जो कि आजकल डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं वो एक ऐप या एक ब्राउज़र एक्टिवेट कर देते हैं या ऐप डाउनलोड कर देते हैं। उस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि 24/7 जैसे मैंने पहले ही बताया है 24 जो है 24 आवर्स को डिनोट करता है और 7 जो डिनोट करता है सप्ताह में 7 दिनों को, तो आप इंटरनेट के माध्यम से 24/7 क्या कर सकते हैं, इन बैंक्स का यूज़ कर सकते हैं विभिन्न ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसके थ्रू आप अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं, इसके थ्रू आप पैसों का ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप ऋण भी ले सकते हैं, इसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो विभिन्न कार्य हैं वो इस ई बैंकिंग के थ्रू होता है। अगर हम ई बैंकिंग के 2 कार्य को देखें तो सबसे पहला ई बैंकिंग का कार्य होता है कि जो है अपने कस्टमर्स के लिए वो एक प्रॉपर जगह पर ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध कराएं कि जहां पर उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध हो सके और इसके बारे में जानकारी मिल सके और इनके लिए अकाउंट्स भी खुल सके। दूसरी चीज़, इन्हें सबसे इनका दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ई बैंकिंग के थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी ये ध्यान रख सके। आज विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी ये ई बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है और ये ई बैंकिंग की सुविधा जो है लगभग सभी बैंकों में उपलब्ध है। इसके थ्रू जैसे मैंने बताया जो कस्टमर्स होते हैं वो 24/7 जो है इंटरनेट एक्सेस के थ्रू या ब्राउज़र के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं और ऐसे कई कार्य हैं जो कर सकते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, जो कस्टमर है वो लंबी लाइनों में लगने से बच जाता है, मतलब उसकी समय की बचत होती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो यह जान लेता है कि
उसके लिए जो है डे टू डे लाइफ में बैंक जो यूज़ करना है वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि आपने पुराने ज़माने में सुना ही होगा या आपने पापा मम्मी को कहते सुना ही होगा कि उन्हें पैसे जमा करने जाना है बैंक में, इसके लिए उन्हें पूरा दिन लग जाता था लगभग, ठीक है। लेकिन आज के समय में एक छोटा सा मोबाइल जिसमें एक छोटा सा ऐप डाउनलोड है उसके माध्यम से क्या हो सकता है, या एक ब्राउज़र के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन है जिसके लिए पहले कई घंटों का समय लगता था, आज वो क्या हो जाते हैं, क्विक मतलब तुरंत हो जाते हैं। उनको ना बहुत पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बहुत सारे समय को वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से और क्या कर सकते हैं, हमारे जो अकाउंट है उसके स्टेटमेंट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को जब एक्सेस कर लेते हैं तो कब कितना पैसा गया, कब कहाँ कितना पैसा निकला आया, ये सारी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम खुद देख सकते हैं, हमें इन जो ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए इसके द्वारा हम और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे किसी फैमिली मेम्बर को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो इट इज़ ईजी कि आप सेम बैंक के अकाउंट से आप सेम बैंक के अकाउंट मतलब दूसरे ब्रांच में पैसे शिफ्ट या ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन इसमें आजकल ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपने बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसमें फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब ई बैंकिंग आपने अच्छी तरीके से जान लिया है, आइए अब हम इसके लाभ को देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो बैंकें हैं ई बैंकिंग के लिए अपने कस्टमर से कोई चार्जेस वसूल नहीं करती, ये इसका सबसे बेनिफिशियल पॉइंट था। अब ये बेनिफिशियल पॉइंट जानने के बाद हम देखते हैं कि ई बैंकिंग से होने वाले लाभ क्या हैं। सबसे पहले जो लाभ होता है वो ग्राहकों की दृष्टि से, ग्राहकों की दृष्टि से कैसे लाभ हुआ, समय की बचत हुई, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा। अब जो है बैंकिंग जो हो गया है वो क्या है, हाथों की उंगलियों पर हो गया है, टच पे हो गया है एकदम। अब ट्रांजैक्शंस करना इजी हो गया, अपने स्टेटमेंट्स को चेक करना इजी हो गया है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कार्य जो कि समय लेते थे और जिसमें बहुत सारा समय के साथ साथ ऐसा लगता था कि पूरा दिन ख़त्म हो गया, आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई, ये सारी चीज़ें इजी हो गई। साथ ही साथ अगर आप दूसरी जगह भी बैठे हैं और आपके घर वालों को दूसरे जगह पर पैसों की आवश्यकता है तो आप वहां से तुरंत बैठे बैठे केवल मोबाइल के माध्यम से या उस ब्राउज़र के माध्यम से तुरंत वो पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो हुआ ग्राहकों की दृष्टि से। अगर हम बैंकों की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले बैंकों पर जो लोड होता था, वर्कलोड अभी भी है, स्टिल है, लेकिन वो ग्राहकों को उनको क्या करना, एंटरटेन करना, मतलब अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी एनर्जी उनको लगती थी वो अब थोड़ी कम लगने लग गई। दूसरी चीज़, अब पूरी नेटवर्क हो गए हैं, अब क्या हो गया है, डिजिटलाइजेशन की वजह से अब बैंकों का जो नेटवर्क हो गया वो असीमित हो गया, मतलब ईजी टू वर्क हो गया। अब यहाँ एक व्यक्ति बैंक में बैठे बैठे अपने दूसरे ब्रांच के नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है अगर वो चाहता है तो, या अगर कुछ काम आता है, अगर दूसरे ब्रांच में उसको काम है तो इजीली वो वहाँ के मैनेजर से बात करके अगर कुछ समस्या है तो उसका समाधान निकाल सकता है, क्योंकि ये सब बैंकें एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अगर चूंकि ये ई बैंकिंग की सुविधा आ गई, इस वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया, यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, और इससे क्या हुआ, बिजनेस भी बढ़ने लग गया। और अगर बात करें तो बैंकों पर जो लेखांकन का काम होता था उसमें भी कमी आई और बैंकों को असीमित क्रियात्मक जो जाल है वो उपलब्ध होने लगा। तो इस तरीके से हमने ई बैंकिंग को जाना और उससे होने वाले लाभों को जाना। आइए अब हम चालू खाता, बचत खाता तथा स्थायी जमा खाता में अंतर को देखते हैं। चालू खाता, बचत खाता तथा स्थायी बैंक जमा खाते का तुलनात्मक अध्ययन। अंतर का आधार पहला लेते हैं धारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ होल्डर्स। चालू खाते में हम देखते हैं यह खाता व्यावसायिक इकाइयों द्वारा खोला जाता है,
बचत खाते में देखते हैं, यह खाता कम आय वाले व्यक्तियों एवं कर्मचारियों द्वारा खोला जाता है। स्थायी खाते में देखते हैं तो यह खाता अधिक ब्याज कमाने के उद्देश्य से खोला जाता है, इसकी अवधि निश्चित होती है। ब्याज यानी इंटरेस्ट देखें तो इस खाते में ब्याज नहीं दिया जाता चालू खाते में, और बचत खाते में कम दर से ब्याज दिया जाता है, और स्थायी जमा खाते में इस खाते में ब्याज की दर सबसे अधिक होती है। जमा अवधि तीसरा अंतर का आधार लेते हैं तो चालू खाते में कोई निश्चित जमा अवधि नहीं होती, बचत खाते में कोई निश्चित जमा अवधि नहीं है, और अगर हम स्थायी जमा खाते की बात करें तो इसमें जमा की अवधि निश्चित होती है। चौथा अंतर का आधार लेते हैं हम जमा की संख्या। इसमें हम देखते हैं इसमें जमा करवाने की कोई संख्या नहीं है चालू खाते में, और बचत खाते में इसमें जमा कराने की संख्या की कोई सीमा नहीं है, और स्थायी जमा खाता में इसमें केवल एक ही बार में धन जमा कराया जा सकता है। पांचवा अंतर का आधार यानी आहरण विड्रॉल्स लेते हैं तो चालू खाते में हम देखते हैं कि बैंक के कार्य के घंटों में कितनी ही बार रुपया निकाला जा सकता है। बचत खाते में देखते हैं इसमें धन राशि चेक द्वारा अथवा आहरण फॉर्म द्वारा भरकर दिन में एक या दो बार ही निकाली जा सकती है, बशर्ते आपको बैंक में यह सुविधा प्रदान की है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी स्थायी जमा खाता देखते हैं तो इसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति पर यह आवश्यकता के अनुसार पहले भी राशि निकाली जा सकती है, ऐसी दशा में ब्याज की दर घट जाती है। छठवां अंतर का आधार हम लिखते हैं चेक का प्रयोग, यूज ऑफ चेक। इसमें चेक का प्रयोग किया जा सकता है, बचत खाते में देखते हैं तो इसमें चेक का प्रयोग किया जा सकता है, और फिक्स जमा खाते में देखें तो इसमें चेक का प्रयोग बशर्ते नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां अंतर का आधार, वो है अधिविकर्षणी ओवरड्राफ्ट। तो चालू खाता, इस खाते में अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। बचत खाता, इस खाते में अधिविकर्ष की सुविधा नहीं है। स्थायी जमा खाता, इस खाते में अधिविकर्ष की सुविधा नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने चालू खाता, बचत खाता तथा स्थायी बैंक जमा खाता के तुलनात्मक अध्ययन जाना।